हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे 1 से 100 तक रोमन नंबर्स लिखें और उसके बाद 200, 300, 400 वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उनको हमें कैसे लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रोमन सिंबल और हिंदू अरेबिक नंबर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले रोमन सिंबल ये होता है आई, उसके बाद ये V होता है, X, L, C, D, then M। अब इनकी हिंदू अरेबिक नंबर मतलब इनकी वैल्यूज, I होता है 1, V होता है 5, X होता है 10, L होता है 50, C होता है 100, D होता है 500 और M होता है 1000। तो ये होती है इनकी वैल्यूज। सो रोमन नंबर्स लिखने के लिए आपको ये सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आई, वी और एक्स तो हमें याद ही रहता है। अब एल, सी, डी और एम को कैसे याद रखें, मैंने उनको कैसे याद रखा है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ जो मैंने यूज करी है। लेकर, चलो, दोस्त, मोबाइल। एल इज फॉर लेकर, सी इज फॉर चलो, दोस्त, डी और M is for mobile। तो इस छोटी सी ट्रिक से मैंने इनको याद रखा है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि रोमन नंबर्स कैसे लिखें। सो अब यहाँ पे सारे रोमन नंबर्स लिखे हैं 30 तक के। सो सबसे पहले 1 का I लिख दिया, उसके बाद 2 का 2I, 3 का 3I, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे I और V लिखा है। अब V का मतलब क्या होता है, 5, और इसके आगे आई लिखा है। तो जब भी हम किसी भी बड़े नंबर के आगे उससे छोटा लिखते हैं तो इसमें से ये माइनस हो जाता है। तो 5 में से हो गया आई माइनस, 1 माइनस हो गया तो 4 आ गया। तो ऐसे 4 लिखते हैं, उसके बाद ये 5, ये अब यहाँ पे वी आई। तो अब अगर किसी भी बड़े नंबर के बाद उससे छोटा नंबर लिखते हैं तो ये दोनों एड हो जाते हैं। तो 5 + 1 = 6, ऐसे 7 वी आई आई, उसके बाद 8 वी आई आई आई, उसके बाद 9। अब 9 कैसे लिखा, x, तो 10 - 1 = 9, उसके बाद ये 10, उसके बाद वापस यहाँ पे आ गया x i, तो ये भी हो गए एड, ऐसे 11। अब यहाँ पे x आया 10, तो यहाँ पे सीधा xxxx लिखा आएगा, उसके बाद यही यहाँ पे x के पीछे लिखे आ जाएंगे। तो ऐसे ही i, उसके बाद ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 20 पे यहाँ पे हमने 2x करे, तो यहाँ पे 2x लिखेंगे हम, 2x लिखते जाएंगे और उसके आगे हम यही वापस लिखते जाएंगे। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो अब यहाँ पे 30 में 10 + 10 + 10 = 30 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 10 + 10 = 20 और यहाँ पे सिंपल 10 हो गया 10। अब यहाँ पे 30 हमने कैसे लिखा, x + x + x, तो ये हो गया 30, उसके बाद 1, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। 40 में हमने L किसके लिए होता है 50 और X किसके लिए होता है 10। तो 50 - 10 हो गया हमारा 40। उसके बाद यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, यहाँ पे 50 L। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं 51 में, तो L 1, तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और ये 59। अब यहाँ पे 60 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 50 और ये हो गया 10, तो 50 + 10 हो गया 60। सो अब 50, 10 और 1 = 61, 50, 10, 2, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और ये 70। 70 कैसे, 50
टेन और टेन सेवेंटी। अब यहाँ पे 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। L X X X 80। सो अब यहाँ पे 81 आएगा तो 50, 60, 70, 81, उसके बाद ये 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये 90। अब 90 में यहाँ पे 100 किसके लिए होता है, सॉरी सी किसके लिए होता है, 100 के लिए। तो यहाँ पे 10, तो 10 इससे पहले लिखा है तो 100 माइनस 10 90। सो अब यहाँ पे 90 के लिए एक्स सी हुआ तो ये एक्स सी आई, तो ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और ये 100, 100 के लिए सी। तो यहाँ पे अब 100 आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले 20, तो 10 प्लस 10 20, उसके बाद 30, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 40, 10 और L 50, ये हो गया। उसके बाद माइनस 10 एक्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे 50, उसके बाद 60, 70, 80, 90 और ये 100 सी। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जब सी होता है 100 तो सी प्लस सी हो गया 200, उसके बाद सी प्लस सी प्लस सी हो गया 300, उसके बाद सी और डी हो गया 400। अब यहाँ पे ये जो डी होता है ये होता है 500, तो उसमें से माइनस 100 करेंगे तो हो गया 400, उसके बाद ये 500, 600, ये 700, 800, उसके बाद अब यहाँ पे 1000 है, तो 1000 में से अगर हम 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 900 आ जाएगा, तो ये हो गया 900, उसके बाद ये 1000, उसके बाद ये 2000 और सो अब 3000 हो गया। M, M और M, ये हो गया 3000। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिवी सिडिक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बाय।